नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, पार्टी कितनी मजबूत हुई है, इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, कांग्रेस के पुनरुद्धार की राह पर चले राहुल। कांग्रेस का 2800 किलोमीटर सफर पूरा, कई हस्तियों ने लिया हिस्सा, कांग्रेस को सभी वर्गों का मिला साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लाएगी परिवर्तन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिनों में ये यात्रा 8 राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफर कर चुकी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही यात्रा में भीड़ उमड़ती जा रही है। उनकी यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा जहां से गुजरती है वहां के लोग पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी और उनकी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। लोग उन्हें प्रामाणिक संस्कृति दिखाते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पार करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में सप्ताह भर लंबा ब्रेक आएगा। यात्रा पर 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा का ब्रेक रहेगा। 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों के ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर की ओर बढ़ेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताया और कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और उनका ये मकसद पूरा हो रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब तक 7 राज्यों से गुजरते हुए ये यात्रा अब राजस्थान में है। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3,750 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। ये यात्रा राजस्थान के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचकर समाप्त होगी। बीते कुछ साल में मोदी के नेतृत्व में भाजपा के अच्छे दिन से कांग्रेस लगातार पिछड़ रही थी, पर इस यात्रा के दौरान राहुल जहां जहां से गुजर रहे हैं, जहां जहां ठहर रहे हैं, वहां कांग्रेस को फिर से जिंदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में ही इसका मकसद महंगाई, बेरोजगारी, देश में बढ़ रही नफरत के खिलाफ आवाज उठाना बताया था। ये वो मुद्दे हैं जिनसे देश के अधिसंख्य लोगों का वास्ता है, लेकिन राष्ट्र फलक पर इन मुद्दों पर वैसी चर्चा नहीं होती जैसी होनी चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार इस मुद्दे पर चोट करते दिखे, जिससे ये तीनों मुद्दे अब चर्चा में हैं। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा का कारवा बढ़ता जा रहा है, इसमें लेखक, अभिनेता, इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट, सोशल साइंटिस्ट, किसान, मजदूर, खिलाड़ी जैसे सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। इन दिग्गजों के जुड़ने से एक मैसेज ये निकल रहा है कि देश का एक बड़ा तबका अब राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। हालांकि इसका लाभ चुनावी जीत के साथ ही साबित होगा। बीते कुछ सालों में भाजपा ने कांग्रेस मुक्त के नारे को बुलंद किया था। चुनावी नतीजों में मिली हार से कांग्रेस की नियति भी उसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में जैसी भीड़ जुटी, सभी लोगों का प्यार मिला, उससे ये बात साबित हो गई कि कांग्रेस में अभी दम है। यदि कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता ऐसे ही अपने आप को लोगों से जोड़े तो निश्चित तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।